और सत्ता में अब बात उन नतीजों की जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अनुमान वाली चर्चाओं का अर्ली बटन दबा दिया है। आज पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए जो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों में ये आम धारणा है कि छोटे छोटे राज्यों के चुनाव नतीजों का देश की राजनीति पर बहुत असर नहीं होता, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का समय बचा है, हर राजनीतिक दल अपने प्लान को फाइनल करने में जुटा हुआ है। ऐसे में इस चुनाव में करीब करीब हर राजनीतिक पार्टी अपने लिए जगह तलाश रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मेघालय में रोड शो भी किया, राहुल गांधी ने भी पूर्वोत्तर के राज्यों में रैली की। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के इन चुनाव नतीजों के इनसाइट्स देश की राजनीति के लिए अहम हो गए और यही अहमियत हम अपने न्यूज मित्रों को डिटेल में समझाएंगे। इसके लिए हमने सत्ता की एक पूरी कुंजी तैयार की है, लेकिन सबसे पहले इन नतीजों के नंबर गेम को देख लेते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार थी जहां कुल 60 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 33 सीटें, सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन को 14 सीट और क्षेत्रीय दल त्रिपुरा मोथा पार्टी को 13 सीट मिली है। मेघालय में एनपीपी की सरकार थी, यहां की 60 में 59 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें एनपीपी को 26 सीट, बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, टीएमसी को 5 सीट और 21 सीटों पर अन्य जीते हैं। नागालैंड में एनडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, यहां की 60 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 37 सीटें मिली, एनपीएफ को 2 सीट मिली, कांग्रेस का खाता नहीं खुला और अन्य 21 सीटों पर जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी के विकास ओरिएंटेड राजनीति और प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं और हमारे कामों के आधार पर हम जीत कर आते हैं। सी बिकॉज देयर वी आवरसेल्फ कंटेस्टेड वेरी लेस सीट्स एंड वी थॉट दैट विद अलायंस वी मे गेट मेजॉरिटी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारी त्रिमूर्ति के साथ है। To thank the people of the state for having voted for our party. We're very thankful to them. And of course, we are short to decide how to move forward. Pradhan Mantri Narendra Modi ji, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ता जितना जो जो जिस स्तर पर है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जीत उनका। पूर्वोत्तर में 2 मैसेज है। कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुके हैं पूरे पूर्वोत्तर में और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है।